उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के थाना अमरोहा देहात पुलिस ने लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए ऑर्डर पर तैयार किए जा रहे असलाहों का निर्माण करने वाली असला फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस कामयाबी में पुलिस को भारी मात्रा में बने अतबने तमंचे के साथ साथ हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और 3 आरोपी हत्थे चढ़े हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव सर पर है और माफिया गुंडागर्दी करने के माध्यम से डरा धमकाकर अपने पक्ष में वोट हासिल करने के लिए अपने अपने तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस भी इन गुंडों पर नियंत्रण रखने के लिए उन पर पैनी नजर रखे हुए है, जिसके तहत अमरोहा थाना देहात पुलिस ने आज लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करने की मंशा से ऑर्डर पर तैयार करके असला बेचने वाले 3 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया है और एक बड़ी असला फैक्ट्री का खुलासा भी कर दिया है। इस असला फैक्ट्री के खुलासे में पुलिस के हत्थे 3 आरोपियों के साथ साथ भारी मात्रा में अतबने तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से असला फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। जी, बीती रात में थाना अमरोहा देहात की पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। ये युवक जंगल में बैठकर अवैध हथियार का निर्माण कर रहे थे। इनके कब्जे से एक पिस्टल, 5 निर्मित तमंचे, 1 अर्धनिर्मित तमंचा और 4 कारतूस बरामद हुए। साथ ही इनके पास से तमाम उपकरण बरामद हुए जिनसे कि अवैध तमंचे बना रहे थे। पूछताछ में इन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने इनसे डिमांड की थी असलों की, जिसके आधार पर ये निर्माण कर रहे थे। जो युवकों के नाम बताए हैं उनकी पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल वो फरार हैं, उन्हें भी पकड़कर पूछताछ की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार 3 युवकों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है।